आज नारनौंद के नगर पार्षदों और रेहड़ी संचालकों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन रेहड़ी संचालकों को आए दिन तंग करता है और अवैध वसूली करता है, उसी के खिलाफ आज धरना दिया गया। मामला ये था जी, एसडीएम साहब ने बोला था हमें कि आप एनक्रोचमेंट कीजिए और शहर में अतिक्रमण अभियान चलाइए, जो भी मतलब हमारी जगह में अतिक्रमण कर रहा है उसको हटवाइए और मौके पर ही अपना ये स्लिप काटिए उनकी जुर्माने की। तो हमने आज कार्रवाई की थी शहर में, तो जैसे रेडिया वगैरह फल फ्रूट की रेडिया वगैरह लगती हैं, ये बिल्कुल रोड पे आई हुई थी और इनके हटाने के लिए हमें बोला तो इन्होंने हटाई नहीं, तो उस एवेज में हमने इनके फिर जुर्माने की पर्चियाँ काटी, इनकी 500 रुपये जुर्माने पर पर्ची काटी। नहीं ये देखो, जो भी पर्चियाँ कटी हैं वो कमेटी के खाते में जो भी पैसा आया वो कमेटी की इनकम हुई है, जिससे उससे कर्मचारी और सैलरी वगैरह दी जाती है और भी कई काम विकास कार्य किए जाते हैं। क्या रेडी लगाने के लिए कोई जगह भी निर्धारित की? हाँ, जगह निर्धारित वगैरह होती है, तो इसमें जैसे मान लो दुकान, जिसकी दुकान है उसके 2 से 4 फुट के अंदर में रेडी लगाने की जगह होती है, तो निर्धारित होती है रोल के हिसाब से। मेरा नाम सुंदर सिंह मलिक है। धरने पे इसलिए बैठे हैं जी कि नारनौंद में आए दिन हमें मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है और हर रोज कभी सेक्रेटरी साहब, एसडीएम साहब का हवाला देते हैं कि आप यहाँ से रेडी हटवाओ, हम आपको बस स्टैंड से परली साइड में जगह दे देंगे या और कुछ कर देंगे। इससे क्या है कि जो कर्मचारी है हर रोज ये कहते हैं कि आप पर्ची कटवा लो, 1000 रुपये कटवा लो, हम पर्ची कटवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी ये हमारा सामान रखते हैं। आज तो बताऊँ मैं आपको, हमारी पौनी भी नहीं हुई है सामान की, लेकिन ये हमारा सामान है वो उसके अंदर डालते हैं 20-25-25 हज़ार रुपये के हमारा रेडी है, वो उसका खर्चा है जी टोटल, उसमें ये हमारा सामान ले जाते हैं, गले तक उठा ले जाते हैं जबकि पौनी तक होती नहीं। आज तो हमारी 500 रुपये की पर्ची काट दी जबरदस्ती, वो भी हमने किसी से उधारे लेके तो पर्ची कटवाई है जी। साल से हम यही रेडी ला रहे हैं, नारनौंद के अंदर टोटल जी सारी 40 रेडी हैं, 40 रेडी से फालतू आपको नहीं मिलेंगी। ये तो एक बड़ा शहर है, वहाँ आपके एक कोने के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन हम ये बताओ गरीब आदमी कहाँ पर जाए। ये कभी कहते हैं कि आप पीछे कर लो, कभी कहते हैं किसी साइड में ले जाओ, आए दिन पुलिस वाले भी ऐसे हमें हमको धमकाते हैं, इसी तरह कमेटी वाले धमकाते हैं। काफ़ी समय से नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब, नए नए आए सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब और नगर पालिका के अन्य उनके दबाव में काम करने वाले कर्मचारी हमारे नारनौंद में लगने वाली रेडियों का सामान उठाते हैं, जबरदस्ती उनको हटवाते हैं। कई बार हम ये रिक्वेस्ट नगर पालिका सेक्रेटरी से कर चुके हैं कि ये गरीब और मजलूम लोग हैं, ये अपना काम करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कान पे जू नहीं रहेगी। बार बार ये प्रशासन के दबाव का हवाला देकर इन गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, उनका सामान उठाते हैं, सीनाजोरी करते हैं और आज तो इन्होंने हद पार कर दी। हर एक रेहड़ी वाले के ये 500-500 रुपए की गुंडागर्दी टैक्स के नाम पर, जिन्हें ये सरकारी काम कहते हैं, सरकारी कहते हैं टैक्स लगाया है, 500-500 रुपए की टैक्स की पर्चियां काट दी। ये बेचारे गरीब लोग जो 500 रुपए की सारे दिन सेल नहीं करते हैं, ये 500 रुपए का टैक्स कैसे भरेंगे? बतौर पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि हम बार बार हमारी बात रख चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। ये अफसरशाही पे उतारू है, ये अपने गुंडागर्दी करना चाहते हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि नारनौंद शहर के अंदर गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। आज क्या किया फिर आप? आज हम नगर पालिका में आए, सेक्रेटरी साहब नदारद थे और जुम्मा जुम्मा चांदनी 9 दिन के आए हुए सेक्रेटरी इंस्पेक्टर साहब ये पर्चियां काट कर वहाँ आपता वसूली कर रहे थे सरकार का नाम लेकर, जबकि ऐसा इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है। हमने पूछा कि क्या सेक्रेटरी साहब, एमई साहब, कोई आपके पास लिखित आदेश है ये पर्ची काटने का? तो वो दाएं बाएं बगले झांकने लग गए, उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं था, अपनी मर्जी से ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। हमने आज इनको कहा कि ऐसा ना करो, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, जो आप करना चाहते हो कर लो, हम सरकार के एम्प्लॉय हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लगता है कि ये एम्प्लॉय कम है और तानाशाह ज्यादा है। पालिका प्रशासन से और नगर पालिका, ये जो प्रशासन है नारनौंद का, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी रेडी लगा रहा है,
वो कहाँ तो रेडी लगा है, हमने पूछा था जगह जो लगाने के लिए, अपने जगह देखिए जो गरीब आदमी है वो रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट पड़ता है, प्रशासन इनकी रेडी पटवा देगा, ये क्या करेंगे, ये बदमाश बनेंगे, ये चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। दूसरी बात, अगर प्रशासन में इतना जोर है, इतना प्रशासन इतना वो है, तो ये 3-4 बैंक हैं ये अपने, इनके जनरेटर बाहर रखे हैं, इनको हटवाओ, ये क्यों नहीं हटवा रहे, गरीब आदमी को तंग करते हैं और इतना बुरा हाल हो रहा है नगर पालिका नारनौंद में, बहुत गंदा प्रशासन। आज क्या किया आपने? आज हमने यहाँ धरना दिया नगर पालिका के सामने, और जब तक इस चीज का बात नहीं होती हम धरने पे बैठे रहेंगे।